महाराष्ट्र में नागपुर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक धर्मस्थल न्यास में करीब 1.5 करोड़ रुपए के कथित गबन के मामले में रविवार को एक कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया। पुलिस से एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। शेख हुसैन अब्दुल जब्बार, जो हजरत ताजुद्दीन बाबा दरगाह के मामलों का प्रबंधन करने वाला ताज बाग ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, उन पर धर्मार्थ आयुक्त की अनुमति के बिना अपनी पत्नी से जुड़े खाते में 1.5 करोड़ रुपए स्थानांतरित करने और उसकी लेखा संबंधी जानकारी नहीं देने का आरोप है। महाराष्ट्र में नागपुर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक धर्मस्थल न्यास में करीब 1.5 करोड़ रुपए के कथित गबन के मामले में रविवार को एक कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया। पुलिस से एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। शेख हुसैन अब्दुल जब्बार, जो हजरत ताजुद्दीन बाबा दरगाह के मामलों का प्रबंधन करने वाला ताज बाग ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, उन पर धर्मार्थ आयुक्त की अनुमति के बिना अपनी पत्नी से जुड़े खाते में 1.5 करोड़ रुपए स्थानांतरित करने और उसकी लेखा संबंधी जानकारी नहीं देने का आरोप है।